जी रोमन थिएटर, ये बहुत पुराना है। अफशान बताइएगा कब, कितना पुराना है ये ज़रा बताइएगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या होता था आमतौर पे? ग्लैडिएटर फाइट्स, और उसके अलावा गुलामों को लायंस के आगे डालना, दोनों साइड से जुल्म, भूखे लायंस होते थे कई कई दिन के और गुलाम होते थे। तो क्या पर्पस क्या था उनका, क्यों ऐसे करते थे? लोगों को एंटरटेन करना, ताकि लोग अपने बुनियादी वसाइल से हट के तो किसी और को जुल्म होता हुआ देख के इंजॉय करें। यानी उनका माइंड डाइवर्ट करते थे, जैसे कि आजकल किया जाता है। सही सही, मेथड चेंज हो गया, चीज़ें वही की रही है। तो लोग आके यहाँ पे इंजॉय करते थे गेम्स को, और वो तीन दिन पहले आके यहाँ बैठते थे, भूख से मर जाते थे, हालत ये थी कि माइंड के ज़माने में, लेकिन उनको ये खुशी थी कि किसी को देख लेंगे कत्ल होता हुआ। यानी वो जुल्म को देखना चाहते थे और इंसानों को मरते हुए देखना चाहते थे और इंजॉय करते थे। खाने को कुछ नहीं होता था, यहीं बैठे बैठे पौत हो जाते थे। ग्लैडिएटर्स मूवी जो है वो भी मेरा इसी तरह की थी, वो बेस्ड इसी थीम यही है। और ये बहुत पुराना है मेरा ख्याल है, इसकी हिस्ट्री कितनी? 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। ग्लैडिएटर्स भी तो उनकी वही होते थे जो बचपन से पाले से मुक्त किए जाते थे। और वो जो नीचे ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये तय खाने से यहाँ से जानवर आते थे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना नीचे, यहाँ से वो भूखे जानवर जिन्हें तीन तीन दिन वो कहते हैं भूखा रखते थे, शेरों को, लेपर्ड्स को, तुर्की और में बहुत ज़्यादा लेपर्ड्स होते थे किसी दौर में और शेर, उसके बाद फिर ग़ुलामों को और ग्लैडिएटर्स को उन खड़ा करके उन जानवरों को छोड़ देते थे और फिर लोग इन्जॉय करते थे इस चीज़ को। दैट इज़ हॉरिबल। कुछ भी ज़्यादा खौफनाक नहीं है, आजकल भी जो जाके लोग इंटरटेनमेंट्स देखते हैं क्लब्स में, वहाँ भी इससे भी ये चीज़ होती है, ऐसे ह्यूमन फ्लैश हर जगह फिर ऐसे ही है। फॉर्म्स डिफरेंट हो चुकी डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन मेंटालिटी और आइडियाज़ वही हैं।